तो ये वो वाला म्यूजियम है एहसन भाई के मुताबिक जिसमें 20th सेंचुरी के सामान भरे हैं, मतलब कल एहसन भाई यहाँ पे अपना चमचा रखे गए थे। कैसा म्यूजियम है यार, 20वीं सदी के सामान रखे हो। पीछे चुप, साइड पे हो, साइड पे हो। अगर तुझे पबजी की नहीं खेलनी आती तो क्यों खेल रहा है यार तू, मुझे क्यों मरवा रहा है? चल शाबाश शाबाश, मत कॉल किया करो पबजी के बीच में। सर कौन? मुनीब बात कर रहे हो? जी जी, आप कौन? सर एहसन बात कर रहा हूँ, रिमेम्बर फेसबुक पे बात हुई थी, एहसन यूसुफ। जी जी बिल्कुल, एहसन भाई क्या हाल चाल है आपके? मूड है तुम लोगों को देख के, मेरा दिल करता है व्लॉग बनाने का, बट एक किक तो चाहिए मुझे। मैं पहुंचा बस, आप रेडी रहे, मैं पहुंच रहा हूं। कौन सा उसने आ जाना है, अपने काम करते हैं, बाकी भी मसरूफियात है जिंदगी की। लो भाई, एहसन भाई हैनोवर बुलाए और हैनोवर ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अब सीन कुछ ऐसा है कि मैं हैनोवर पहुंच गया हूं। एक मसला जो मुझे आ रहा है कि एहसन भाई फ़ोन नहीं उठा रहे। एक अच्छी बात, एहसन भाई ने मुझे एड्रेस सेंड कर दिया था, तो डायरेक्ट उनके घर में छापा मारते हैं। अब दरवाज़ा भी खुला है, हालात चेक करो, मुझे बुला के सो रहे हैं। सर भाई सुबह हो गई यार, दिन के 12 बज गए। सोने दो यार, लेट सोया हूँ मैं। एहसन भाई कहते थे मैं किक चाहिए, ऐसे नहीं आपने कहा था मुझ पे ना लगाना, आपको किक चाहिए थी, मैं आपको किक देता हूँ। अबे क्या कह रहा है, दो दो लगी। देखो मैंने फाइनली बेड से उठा दिए, मिलवाते हैं सनसेट से। मेरा नाम एहसन यूसुफ है और चैनल का नाम सनसेट है, और स्टेशन है हैनोवर का। आज सिटी में बहुत हैवी किस्म का रश है, वो देखें सारा रश की एक रीज़न ये है कि यहाँ पे आज एक फेस्टिवल है, फेस्टिवल का नाम है मार्श सी फेस्टिवल। ये चीज़ें अपने एहसन भाई से पूछेंगे। एहसन भाई, एहसन भाई सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। Struggling with my camera because light setting sat in your way. पर एहसन भाई ये लाल लाल चीज क्या है, ये वाली? It's too scripted. ये सर्च तो आपने किया था बस। मुझे लगा एहसन भाई बता देंगे। ये सीन है कि यहाँ पे चल के 3-4 किलोमीटर की होगी, लेकिन आप सारी जो फिट किस्म की टूरिस्ट लोकेशन है ना वो देख सकते हैं। तो आस्ता आस्ता हम चलते हैं। ये गवर्नमेंट ने लाइन सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि ये गवर्नमेंट हमें ये सब मिलके हमें सेंसर ठीक है बना रहे हैं। मुझे पता है बिलावजा ये 1 किलोमीटर की लाइन है, उन्होंने 4 किलोमीटर कर दिए बिलावजा थकाने के लिए। तो अब मैं तो आप लोगों को प्रूफ देता हूँ, ये लाइन देखो यहाँ से करके वहाँ जा रही है, और ये है दिस लाइन विल बी हेडेड टूवर्ड्स। नहीं नहीं ये सही कह रहे हैं, ये लाइन सही कह रही है। तो गवर्नमेंट हमें मिलके नहीं बना रही है एहसन भाई, हमें सब मिल चर्च है जो कि डिमोलिश कर दिया उन लोगों ने, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन फेज पर है, और यू विल सी दैट वन। तो ये लाइन 2 हिस्सों में डाइवर्ट हो रही है, इस साइड पे तुम चर्च देखोगे और उस साइड में तुम डॉम देखोगे, और डॉम की पिछली साइड पे तुम मस्जिद देखोगे। क्या मैं इस टाइप की चीज़ लगता हूँ जब मैं व्लॉगिंग कर रहा होता हूँ? अगर हाँ तो ये मेरा आखिरी व्लॉग है। सर जी कैसे हैं? मैंने व्लॉगिंग छोड़ दिया आपकी हालत देख के। अगर आपने मेरा बर्लिन का व्लॉग फॉलो किया है तो वहाँ पे एक बर्लिनर डॉम था, यहाँ पे हैनोवर में ये वाला डॉम यहाँ की स्पेशलिटी है।
मेडिकल किस्म की चीज़ मुझे लगी है वो ये नक्शे हैं। मैप्स का ये सीन है कि एक स्पेसिफिक पीरियड का मैप दिखाया हुआ है, लाइक 1689। तो 1689 में हैनओवर कुछ इस टाइप का था। सिटी काफ़ी हद तक खाली है अभी भी। 9 आया तो हैनओवर कुछ इस टाइप का था, और आज के दिन हैनओवर कुछ इस टाइप का। मैं टेस्ट लेता हूँ एहसन भाई को बुला के, अब पता लगेगा हैनओवर सिटी का उन्हें कितना पता। क्या आप इस भरी दुनिया में बता सकते हैं आपका घर कहाँ? एग्जैक्टली बता सकता हूँ, ठीक है? तो मिस्टेक कहाँ कर रहे हो? आपके घर? मेरे घर, ठीक है। तुमने बैल्कनी से ये देखा होगा टावर? बिल्कुल देखा है ये वाला टावर। झूठ बोल रहा है, कोई नहीं देखा, ये बैल्कनी में गया ही नहीं है रात को। आज सुबह तो गया हूँ, आज सुबह टावर दिखता ही नहीं है भाई। अंधेरे में टावर नहीं दिखता, सुबह तो ज्यादा नहीं दिखता, लाइटनिंग होती है तभी वो दिखता है। ये लॉजिक चेक करो, रात को टावर दिखता है, दिन को दिखता ही नहीं है। वाह, ये क्या लॉजिक हुई भाई। रात को दिखता है, अभी सूरज है, टावर है, सूरज कहाँ? तो बताओ, मून सुबह दिखता है? मैं समझ नहीं आती थी कराची वाले बिरयानी में आलू क्यों डालते हैं। हाँ समझ, ये टॉपिक बहुत गंदा है। बात बात चली थी कि मेरा घर कहाँ पे है। आलू का पता है? आई लव आलू, पता है मुझे। ये टावर है, ये बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग, ये आपके भाई की बिल्डिंग है, और ये वो टावर है जो रात में नजर आता है। नहीं नहीं, मैं सीधा मैं लॉजिक बताता हूँ। टावर सिर्फ इसलिए दिखता है कि इसमें बहुत ही अच्छी लाइटिंग की भी होती है लोगों ने, ठीक है? दिन के टाइम गायब हो जाता है। आप बताए, लॉजिक नहीं समझ आ रही। मार दी थी इसको, हटा देना, दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ व्लॉग, इसको हटा देना। ये तो डालूंगा। के साथ साथ आपको यहाँ पे म्यूजियम भी मिलेगा। एकल म्यूजियम है, 20th century के अंदर सामान भरे हुए हैं इन्होंने। तो ये वो वाला म्यूजियम है एहसन भाई के मुताबिक जिसमें 20th century के सामान भरे हैं। मतलब कल एहसन भाई यहाँ पे अपना चमचा रख के गए थे। कैसा म्यूजियम है यार, किस 20वीं सदी के सामान रखे हो। हमने फेस्टिवल है, ये उसकी एंट्रेंस है मेन, और हम ऑलमोस्ट पहुंच गए। फेस्टिवल में ये चीज़ नॉर्मल होती है कि काफ़ी खानों के स्टॉल्स लगे होते हैं। चीज़ तो कॉमन नहीं होती, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो लगी है, और यहाँ की फेमस खाने की चीज़ों में स्पेशली इस फेस्टिवल में फिश सैंडविच है। लेकिन यहाँ का एक सीन है कि जो मछली है ना कच्ची है, लाइक ये कच्ची मछली सैंडविच में डाली हुई है। ऐसे में ट्राई करेंगे ना? नहीं नहीं, मैं फ्राइज लूंगा। यार ऑडियंस को बताना है टेस्ट कैसा है, ट्राई करके बता दें। ऐसा करते हैं, खाते हैं, प्रॉमिस है, ऑडियंस का व्यू फिश वाला देखेंगे। ये देखें, दो नंबर काम है। बाहर अब बारिश का सीन हो गया, तो ऐसे मैंने शॉपिंग करनी थी, डायरेक्ट आए हैं ज़ारा पे। मैंने कहा यार वो सार लंडा भी है वहाँ से ले लें, कहते नहीं ब्रांड से नीचे तो आनी नहीं है, कहते जॉब लगी है, पैसे है, फेंक रहे हैं दस्ती। ऐसे में क्या ले रहे हैं? विंडो शॉप। अभी ऐसे मैंने 4 शर्टें उठाई हैं, मतलब प्राइस एक शर्ट की 50 यूरो, फिर रख दी थी 50 पैसे से उठाई थी। खाने के लिए जो जगह डिसाइड हुआ है वो है नोर्सी। वहाँ पे हम इख्तिताम करेंगे आज के व्लॉग का।
एहसन भाई को शुक्रिया करते हैं सबसे पहले आप मेरे चैनल पे आए। Stay tuned, ठीक है, मुनीब के व्लॉग को तो आप बेशक देख ही रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो, पसंद भी कर रहे हो, कमेंट सेक्शन से मुझे पता चल रहा होता है। इनके चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि ये ना और वीडियो एकदम दस्ती डालें। सब्सक्राइब टू माई चैनल टू SNCHAT, जिसमें इतनी तो वीडियोस नहीं मिलेंगी लेकिन कुछ मिल जाएंगे आप लोग। आप कॉफी पीते हैं? हाँ, आप कॉफी पीते हैं सैन भाई? मैं देखता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बस एक्ट कर रहा हूँ कि मैं पबजी खेल रहा हूँ, फिर आपकी एकदम से बीच में कॉल होगी, मैं कहूँगी यार ये कौन। पबजी में तो तुम कह भी सकते हो कि आगे जा उसको शूट कर, मतलब यू कैन टॉक लाइक। हां, किस तरह पता लगेगा कि पबजी खेल रहा हूँ? लाइक मैं बात कर रहे होगे ना, अभी आगे जा उसको मार, या कोई स्पेसिफिक वर्ड होता है? इस पे रखना, कोई स्पेसिफिक वर्ड होता है कि पता लग जाए कि पबजी खेल रहा हूँ? अबे तो हाँ, ये अबे तुझे पबजी खेलनी नहीं आती तो क्यों खेल रहा है? हाँ।